प्रगति के पथ पर है। एक दो बातें कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं। हरिद्वार में बहुत मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, और कई बार गुरु जी के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, चोला बदलने के बाद लोग कहते हैं, अभी इस आश्रम का क्या होगा, इस संस्था का क्या होगा। विवेकानंद जी की आयु छोटी थी और अचानक कृष्णानंद जी महाराज भी चले गए, लेकिन एक युवा सन्यासी ने यह दिखाया कि अगर सोच सही हो, सपना सही हो, संकल्प सही हो साहब, कारवां जोड़ना आता है, अपने आप जुड़ जाता है। और मैं आप सभी लोगों को और यहां इस 8 दिन में कई विधाओं के लोग आए, कई न्यायाधीश यहां आए, न्यायपालिका यहां आई, कार्यपालिका यहां आई और पालिकाएं यहां आई। मैं कहना चाहता हूं सबने आकर के, कोई न्यायाधीश यहां आया तो चुपचाप मौन होकर बैठ करके उसने सत्संग श्रवण किया, इसका श्रेय विवेकानंद जी को जाता है। आज हमारे जन प्रतिनिधि भी आए और मैं तो कह रहा था इनसे, मैंने इनको कहा कई लोगों को बुलाओ, ये तो आध्यात्मिक चर्चा है। नरेश टिकैत भी आए, और जिस दिन नरेश टिकैत जी आए उसी दिन नंद किशोर जी को बुला लेते, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर तरह के लोगों को बुलाया, हर तरह के लोगों को आज जोड़ने की आवश्यकता है। लोग आएंगे, संतों को सुनेंगे, तभी सनातन मजबूत होगा, तभी हम दृढ़ प्रति बन करके इस राष्ट्र को हम और आगे बढ़ाएंगे। हर तरह के लोग, आज भी देखो एक न्यायाधीश ने क्या सुंदर बोला, हमें लगा कि अरे कितने रामायण की चौपाइयां बोली उन्होंने। वास्तव में आज हर क्षेत्र में सनातनियों की आवश्यकता है। यह देश, इस देश की पहचान सिर्फ और सिर्फ सनातन है, और जब तक गंगा में जल की एक बूंद रहेगी तब तक ये सनातन रहेगा।